अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल की दही बड़े। एक पाव दाल लिया मैंने, इसको अभी साफ़ करके पानी में भिगो दूंगी। ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पानी में भिगो दूंगी। माश की दाल मैंने भिगोया था, ये हो गया। अब मैं इसे ब्लेंडर को, ये देखें, ये मैंने दाल पीस लिया, ये देखें, ये ऐसे ये सूखा पिसाएगा आप लोग, ये देखें। ये देखें, ये मैंने दाल पीस लिया, ये माश की दाल है, बहुत पतला नहीं हुआ, ये बिल्कुल ये सूखा है, ठीक है। ये अब इसमें मैं डालूंगी नमक आधा चाय के चम्मच, मिर्च, काली मिर्च, धनिया आधा चाय के चम्मच, ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय के चम्मच, ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये तेल गरम हो गया है, ये मैं पकोड़े डाल रही हूँ, ये देखें। ये देखिए पकोड़े तैयार है, तो मैं निकाल रही हूँ तेल से। तेल से निकाल के ये देखें, अब मैं इसे, ये देखें ये पानी है, ये मैं ये पानी में ये डाल दूंगी, ये देखिए मैंने पानी में डाला है। ये मैं नमक डालनी हूँ, इसको मैं ब्लेंडर करूँगी। बस 2 से 3 मिनट ये करूँगी। उसे 3 मिनट के लिए पानी में डाला रहेगा, फिर इसे हम निकालेंगे। ये देखें, ये पानी से मैंने निकाल लिया। दही, दही में डाल दी, इसमें नमक डाला है मैंने, और अब ये जो ये पकौड़े डाल दी हूँ इसमें, ये देखिए इसको दही में डुबो दूंगी। ये में मैंने पकौड़े डाल दिए, और ये कुटी हुई मिर्च, कुटी मिर्च, जीरा, ये चाट मसाला, ये दही बड़े, माश की दाल की दही बड़े ये तैयार है। ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
शेयर करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।